भाई साहब हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए फिर से एक बार टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर, और इसमें एक बहुत ही मजेदार ग्लिच है जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, और एक सीक्रेट ट्रिक और भी है जो भी किसी को भी नहीं पता है तो उसे भी बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों अब हमारी जो पहली ट्रिक है ना यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। हर कोई बंदा जो आपको मिलिट्री बेस में मिल जाएगा ना, आप स्नाइपिंग से उसको आराम से नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, मिलिट्री बेस में आपको लॉन्च पैड मिल जाएगा, आपको इसको इसकी जो डायरेक्शन है आपको इस वे में आपको रख के आपको लॉन्च कर देना है। और लॉन्च करने के बाद अब आप देख ही सकते हो कि सामने वाली तरफ से आपको जो वाटर टैंक दिख रहा है, ठीक है, आपको बस अपनी जॉयस्टिक को आगे करना है और कैमरा एंगल नीचे करना है, आपको इस वाले वाटर टैंक में आपको लैंड करना है। और लैंड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इतना तगड़ा वाला व्यू मिलने वाला है ना, आप खुद ही आप अपना सिर पकड़ लोगे। देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू मिल रहा है, और अगर सामने वाली बिल्डिंग में भी कोई एनिमी होगा ना तो आप उससे AWM से आप एक अच्छा सा शॉट भी दे सकते हो, और आपका एनिमी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर भी कोई हो सकता है। दोस्तों अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करना, आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। अब नेक्स्ट ट्रिक में भी आपको सेम टू सेम उसी प्लेस में आ जाना है, और इस डायरेक्शन में आपको जो अपना लॉन्च पैड है वो आपको लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद आपको ये जो सामने एक कि आपको बिल्डिंग से मिलती है, आपको बस इस बिल्डिंग में आना है, और आप यहाँ से भी बहुत ही ग्रेट वाला व्यू ले सकते हो। दोस्तों ये अगर ट्रिक आपको बिल्कुल भी अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ये ट्रिक अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप अक्सर रिजॉर्ट में आते हो तो रिजॉर्ट के बैक साइड में भी आपको ये जो लॉन्च पैड है ये मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से एंटर होके आपको करना क्या है कि रिजॉर्ट में आपको जो वाटर टैंक मिलता है बस उसके सीधे डायरेक्शन में आपको बस इसे लॉन्च कर देना है। अब लॉन्च करने के बाद आपको करना क्या है कि अपनी जॉयस्टिक को बस थोड़ी सी आगे करके आपको कैमरा एंगल को बस सही तरीके से आपको रखना है, तो आप सेफली तरीके से यहाँ पर लैंड हो जाओगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे जो होते हैं वो लैंड करते हैं, यहां से भी नॉक एंड फिनिश निकाल सकते हो। अगर इस साइड में भी कोई बंदे होंगे तो भाई साहब उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, और आप उनको नॉक एंड फिनिश बहुत ही आराम से कर सकते हो। और ये जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ग्लोबल वर्जन में ही वर्क करती है, नहीं भाई, ये BGMI में अब जो अपडेट आने वाला है ये उसमें भी वर्क करेगी। तो शायद हो सकता है कि ये जो ट्रिक है ये KR वर्जन में भी वर्क कर जाए। और दोस्तों अगर आप रैंक पुश बहुत ज़्यादा करते हो तो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम की है, इन्हें ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है ये बहुत ही काम की है। अब आपको ये जो एयर लॉन्चर वगैरह मिलता है, जब आप इसके अंदर आते हो तो अब आपको एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको बस इसी का फ़ायदा उठाना है। जब भी आपको यहाँ पे कोई एनिमी मिले तो आप बड़े ही आराम से उसे नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जब आप यहाँ पर किसी एनिमी को मारोगे तब आप उसका क्रेट जो है वो लूट नहीं कर पाओगे। यार ये जो आखिरी ट्रिक है ना यार ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाली है। अब जॉर्ज पुल में आपको ये जो गाड़ी से मिलती है जो जॉर्ज पुल के बीचों बीच सड़क में चलती है, आपको बस इसके अंदर आना है, आपको कैमरा एंगल ऊपर की ओर घुमा लेना है, घुमाने के बाद आपको FPP में स्विच करना है और अपना आई बटन जो है वो यूज़ करना है। तो दोस्तों इतना खतरनाक ग्लिच इसमें वर्क करता है ना यार, ज़रूर से ट्राई करना। एनिमी अगर आसपास भी होंगे तो आप काफ़ी अच्छा उनको नॉक एंड फिनिश और डैमेज वगैरह दे सकते हो। और दोस्तों ऐसी ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर अभी भी पड़ी हुई है तो उन्हें भी जाके ज़रूर से चेकआउट करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।